सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फतूहात और कारनामे तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वास्फी पाशा की ज़ौजा खदीजा सुल्तान अगवा हो गई हैं। मुराद अफंदी को आज के बाद आपके हवाले करती हूँ। बीदार सुल्तान उन्हें तलाश करवाना चाहती हैं। हुसैन पाशा को तलाश करके पाए तख्त से फरार करवाना चाहती हैं। ये क्या कह रहे हो? खड़ी हो जाओ फौरन। उठो। सिफारत खाने में कहा है कि मामू को फरार करवाना है। जब वो मामू जान को बताएंगे तो वो यकीनन हमसे मिलने जरूर आएंगे। मुराद ने नायब कातिब को मार दिया। क्या वो पकड़ा गया? उसी वक्त सिफारत खाने के मुहाफिजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फांसी का फैसला सुनाया जाएगा फरसंद। हम शहजादा अब्दुल कादिर हैं। आइए। मेरे प्यारे भांजे, आपने सफीर से बात की थी। मैं जानता था आप मदद करेंगे। हम मदद करेंगे, पहले कुछ बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बैठे। मेरे खिलाफ साजिश की उन लोगों ने, बहुत बड़ी साजिश। हमें आप पर पूरा यकीन है, मगर आपको फरार होने की जरूरत नहीं। गिरफ्तारी दे दें। अगर आप फरार हो जाते तो आपको मुजरिम मान लिया जाता। आप ये क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं। मेरा कोई कसूर नहीं, तो जिंदान में क्यों जाऊंगा मैं? हिलने की जरूरत नहीं। तो ये एक चाल था। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम पाशा। वालेकुम अस्सलाम इज्जत पाशा, बैठिए। पाशा, मैं ये कागजात लाया हूं, सोचा कि सुल्तान इन्हें जरूर देखना चाहेंगे। ये तो पाशा हजरात के बारे में है। जैसा कि जानते हैं कि वजीर आजम का ओहदा खाली है, सहाफियों ने अखबारों में जिस जिस के बारे में जो जानता था वो छाप दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बदकिस्मती से, यानी जब मैंने महमूद पाशा और सलीम पाशा के बारे में खबर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है पाशा, पढ़ते हुए शर्मिंदगी हुई, बहुत अफसोस हुआ। सोचा कि आपको ना दूं। आप जानते हैं कि वजीर आजम का ओहदा खाली है, जो काबिल है वो आगे आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे बारे में कोई खबर नहीं छपी होगी। नहीं पाशा, नहीं। और आपके बारे में? जी पाशा, छपी है। एहतियात के बारे में है पाशा, उसमें काफी सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं वो आपको दूं। इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। क्या भूख लगी है? अगर मुझसे भीख मांगो तो मैं कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम में अभी भी शहजादी वाली अकड़ है। निकल जाएगी अकड़, घुटनों के बल गिर के भीख मांगोगे मुझसे। छोड़ दो उसे, पहले पिस्तौल फेंको। मैं कहता हूं पिस्तौल फेंको। ठीक है, फेंक रहा हूं पिस्तौल। देख लो, पिस्तौल फेंक रहा हूं मैं। फेंक रहा हूं मैं पिस्तौल। छोड़ दो उसे, और जहां जाना है चले जाओ। इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरे साथ जाएगी। देखो, तुम्हारे कहने पर पिस्तौल फेंक दी, मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं करूंगा। जहां जाना है जा सकते हो तुम। मुझे यकीन नहीं तुम पे। छोड़ो हमें। जब तुम्हें जाने दे रहे थे तो गोली क्यों चलाई? अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें भी उसके पास ही भेज दूंगा। चलो। चुपचाप मेरे साथ चलो, चुपचाप। छोड़ दो। चलो। क्या कहा मैंने? नहीं। समझ नहीं आई तुम्हें? नहीं। अगर मरना नहीं है तो चलो मेरे साथ। ठीक तो है, हम मदद लेकर आते हैं। कमालुद्दीन, खदीजा, आपने क्या फैसला किया सुल्तान मौसम? मुझे बरतानवी हुकूमत को खबर देनी है। हम मुराद अफंदी की सजा का इंतजार कर रहे हैं। हमारी अदालतें उसकी सजा का फैसला करेंगी। मुराद अफंदी को अदालत में पेश कर रहे हैं। कानून के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए वही होगा। सुल्तान मौसम, हुसैन अफंदी पकड़े गए हैं। आफरीन, सिर्फ मुराद अफंदी ही नहीं, मगरिबी हुकूमतों के गुलामों को भी साथ ही सजा दी जाएगी। तुम्हें मेरी बेटी के खून का हिसाब देना होगा। रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। मैंने जिंदान में उस आदमी को देखा, उसके बारे में मालूमात हासिल की। जब मेरी बेटी का कत्ल हुआ वो यहाँ मौजूद नहीं था। अंदर चलिए, सुकून से बैठकर बात करते हैं। जरूर जाऊंगा, लेकिन ये हमारी आखिरी बात होगी। मुझे मेरी बेटी का कातिल चाहिए। चलो। आप उस कातिल को गलत रुख पर तलाश कर रहे हैं पाशा। मुझसे सीधी बात करो हर्जल। मैं जानता हूं आप तकलीफ में हैं, लेकिन जो कुछ बताऊंगा वो और ज्यादा तकलीफ दे है। आपकी बेटी दिलशाद हमारी हिमायत में थी। वो ऐसी हालत में थी कि हम जो कहा करते थे वो करती थी। जो हमारी इतनी मददगार थी, हम उसे कैसे मार सकते थे? इसमें हमारा अपना ही नुकसान था। किसने मारा उसे? दिलशाद हुकूमत की नजर में दुश्मन के लिए काम करने वाली जासूस थी। वो पकड़ी गई। आप क्या करेंगे पाशा? दुश्मन के किसी जासूस को अगर आप पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? उस कातिल को हुकूमती अरकान में तलाश करें। कमालुद्दीन, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप यहाँ कैसे आ गए। आप यहाँ कैसे आए? क्या कर रहे थे आप यहाँ कमालुद्दीन? ये आप ही है ना कमालुद्दीन? वास्फी अफंदी ने यहाँ के हालात से मुताल्लिक की इत्तला दी थी, तो हमारे सुल्तान ने यह मंसूबा तरतीब दिया। मुहाफिजों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को काबू करना था। तो वो सामान तकसीम करने वाले आप थे जो मुहाफिजों ने जबरदस्ती छीना था। रुकिए, इसे दबा के रखें, जोर से दबा के रखें, इससे खून रुक जाएगा। हम मदद तलब करके आते हैं। खदीजा, आप अकेली कहीं मत जाए, खतरनाक हो सकता है। आपकी हालत नासाज है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। एक हल है मेरे पास, अगर गोली निकाल सकती है तो निकाल दे। नहीं, हम नहीं कर सकते। आप कर सकती हैं खदीजा, मैं बताऊंगा क्या करना है। ये हमसे नहीं हो पाएगा कमालुद्दीन। खदीजा, हिम्मत करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं। जल्दी करें। और फिर आप एक बहादुर लड़की हैं, वैसे भी आप पर मेरा कर्ज है। याद दिलाता हूं मैं, एक बार आपने मुझे गोली मारी थी। यूं समझे आपने मुझे गोली मारी है और अब उसे निकालें। जल्दी करें, आप कर सकती हैं। हाँ, हिम्मत करें। बेदार खातून, बहुत बुरा हुआ। आप इस सूरत हाल से पहले भी गुजर चुकी हैं। तसल्ली देने आए हैं आपको हम, लेकिन हमें लगता है आप फतह का जश्न मनाने आई हैं। जरूरी नहीं कि जो आप सोचे वो हो जाए। अगर आप अपने भाई को फरार करने में कामयाब हो जाती तो इस वक्त फतह का जश्न मना रही होती, लेकिन कोशिश के बावजूद भी बदकिस्मती से कामयाब ना हो सकी। सुल्तान से आपने हमारी और शहजादी की शिकायत की स्नेहा सुल्तान। ये हमारी मजबूरी थी। रियासत के किसी गद्दार को फरार होते नहीं देख सकते हम। रियासत हमारे लिए सबसे पहले है। आपने हमारे सुल्तान मुअज्जम और रियासत से गद्दारी की है। मलिका बीदार ने हमसे या हमारी रियासत और मिल्लत से कोई गद्दारी नहीं की। अपने भाई की तलाश इसलिए की ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। इन्होंने शहजादे के साथ मिलकर उसकी तलाश का मंसूबा बनाया और उस भाई को जिसने रियासत और मिल्लत से गद्दारी की गिरफ्तार करवाया। डरिए मत शहजादी, डरिए मत। सुल्तान मुअज्जम, ये क्या हो रहा है? हम सब बहुत खौफजदा हैं। आपके भाई हुसैन पाशा के सिपाही हरम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिपाहियों को हरम पर हमले के लिए तैयार किया है। या अल्लाह, इस बात में कोई हकीकत ना हो। या मेरे अल्लाह, हमारे भाई हुसैन पाशा ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। मलिका ने रियासत को अपने खानदान पर तरजीह दी। मतलब जब हम आपके पास आए थे तो आपको सब मालूम था? मालूम था, लेकिन हम चाहते थे कि उसके पकड़े जाने तक किसी भी शख्स को इस मंसूबे के बारे में कुछ भी इल्म ना हो पाए। लेकिन हम ये समझे थे कि ये हुसैन पाशा को फरार कराने के लिए है। आपके समझने से कोई भी इंसान गलत नहीं हो जाता स्नेहा सुल्तान। आप ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी हैं। हम सिर्फ आगाह करना चाहते थे। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिए। हमसे नहीं, मलिका बीदार से माफी मांगे। हम बाद में बात करेंगे स्नेहा सुल्तान। हम इस बात का अंदाजा कर सकते हैं मलिका कि ये काम आपके लिए बहुत तकलीफ देह था। अल्लाह आपसे राजी हो, आपने बहादुरी, शराफत और वफादारी का बड़ा सबूत दिया है। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए मलिका। हुसैन पाशा, आपका जुर्म गवाहों और सबूतों से साबित हो चुका है। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? फैसला सुनाया जाए। आप पर बरतानवी कातिब के कत्ल का इल्जाम है। सफाई में कुछ कहेंगे? जिस आदमी को मैंने मारा उसने मेरी मंगेतर को गोली मारी थी। इंतकाम लिया है मैंने, मैंने इंसाफ लिया है। जुर्म कबूल करता हूं मैं। अदालत जो भी हुक्म देगी मुझे मंजूर होगा। शिकायत कुनंदा की हैसियत से कुछ कहना चाहेंगे? हमें उस्मानिया रियासत के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि वो सजा दी जाए जिसका हकदार है मुजरिम। आप आकिफ के बेटे मुराद अफंदी जुर्म कबूल करते हैं? सजा पे अमल किया जाए। तहसीन पाशा, मुकदमे का फैसला आ चुका है? जी बीदार सुल्तान, उसे ही मंजूरी के लिए सुल्तान के पास ले जा रहा हूं। क्या ये हम ले जा सकते हैं? मुमकिन नहीं है सुल्ताना, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। फैसला फांसी है। क्या आप चाहती हैं कि उस गद्दार को माफ कर दिया जाए? माफ नहीं करेंगे हम। अगर वो हमें मारने की कोशिश करता तो शायद माफ कर देते, मगर उसने हरम पर हमला किया। माफ नहीं करेंगे। सिपाहियों को शहीद किया उसने। अगर वो गद्दार हमें गोली मारता तो शायद माफ कर देते, लेकिन उसने हमारे सिपाहियों पर गोली चलाई। माफी नहीं मिलेगी उसे। खदीजा, चाहे जितना भी चीखूं मैं, आप रुकिएगा नहीं। अगर कोई गलती हो गई हमसे, कुछ नहीं होगा। आपको बस किसी भी तरह ये गोली निकालनी है। ठीक है, हम हिम्मत करते हैं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सुल्तान मौसम, मुराद अफंदी की फांसी का फैसला। क्या बारबुस यहीं पर है? वो बाहर मुंतजिर है मेरे सुल्तान। बुलाए उसे। सुल्तान मौसम, अगर मुराद अफंदी को सजा न दी गई तो बरतानिया, फ्रांस, अतालिया और दीगर ममालिक अपने ताल्लुकात हमसे मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर लेंगे। काजी का फैसला भी फांसी है। अंदर बुलाएं। आओ बारबुस अफंदी, आओ। जब भी हम तुम्हें देखते हैं हमें अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? दुश्मन अगर रियासत में खुलेआम घूमता रहे तो उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे रोकेंगे। मुराद अफंदी एक काबिल कदर इंसान था। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे वो मर चुका है। तो क्या आप फैसला मंजूर नहीं करेंगे? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तन्हा रह जाएंगे। इस दुनिया के तमाम मुसलमान तन्हा रह जाएंगे। उनका खलीफा सिर्फ एक शख्स के लिए दुनिया के तमाम मुसलमानों को तन्हा कर देगा। ये सब बातें हम पहले से ही जानते हैं बारबुस। यकीन करें सुल्तान मौसम, मेरे कांधों पर बहुत बोझ है। वो तमाम हुकूमतें और सिफारत खाने जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ, वो इस सदमे में डूबी हुई हैं कि सिफारत खाने के कातिब को मार दिया गया। अगर उनसे कहा कि सुल्तान ने उस कातिल को माफ कर दिया तो तुमने जासूस के साथ खेल क्यों खेला? उसका मरना तुम्हारे लिए किस तरह मुफीद है? मुराद के जाने से कुछ खत्म नहीं होगा। क्या जानते नहीं ये बात? किसास सुल्तान मौसम, किसास। मैंने आपके साथ जंग में बहुत बड़ी कीमत अदा की है और आज तक मैं हमेशा आपसे हारता रहा, मगर आज इस महाज पर मुझे जीतना है। मोहर लगाइए, नवाजिश होगी। तुमने मुझे पकड़वाया। कैसे कर सकती हो तुम? कैसे मुझे मौत के मुंह में भेज दिया? और आप ऐसी गद्दारी कैसे कर सकते हैं? आपने हमें ऐसी सजा दी है जो मौत से भी बदतर है। हर कोई यही कह रहा है कि बीदार सुल्तान का भाई हुसैन पाशा गद्दार है। मैं सिर्फ अपने भाई महमूद पाशा का इंतकाम लेना चाहता था मेरी बहन। नहीं, आपने बेकसूर लोगों का कत्ल किया है। आपने रियासत के दुश्मनों का साथ दिया है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका जाती मफाद था। आपने हमारे भाई होने का फायदा उठाया और रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुल्तान मुअज्जम ने इतना सब कुछ होने के बाद भी महमद भाई को सिर्फ जिला वतन किया और कोई सजा नहीं दी। अजीम बादशाह जिंदाबाद। मुझे माफ करना बहन, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब्दुल हमीद से मेरी नफरत कभी भी कम नहीं होगी। और ना ही मेरा नजरिया तब्दील होगा। और अब मुझे तुमसे भी नफरत है। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि दुनिया तबाह कर सकता था तुम्हारे लिए। इस दुनिया में मुझे तुमसे प्यारा कोई नहीं था, लेकिन अब तुम मेरी ही कातिल बन गई। हमें ये करने के लिए आपने मजबूर किया। मेरी तुमसे आखिरी दरखास्त है, मैं चाहता हूं तुम मुझे मरता हुआ देखो। अपने किए का नतीजा देखो तुम, और चाहता हूं कि ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखो। सारी जिंदगी इस तकलीफ को महसूस करोगी तुम। मैं चाहता हूं तुम हमेशा तकलीफ में रहो। अपनी आखिरी सांस तक तुम इस तकलीफ को महसूस करोगी। आ जाएं। आइए महमूद पाशा। तहसीन पाशा, इजाजत है? बैठिए बैठिए। वल्लाही हमारी जिंदगी रियासत की खिदमत में गुजर रही है। हर तरफ दौड़ रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं। तहसीन पाशा, मैं ले आया, ये लीजिए जरीदा। बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए पाशा। महमूद पाशा, अगर हम सिर्फ इन जरायद को देखें तो रियासत में आपके अलावा कोई लायक पाशा नहीं है। ऐसा ही है तहसीन पाशा। बदकिस्मती से सलीम पाशा भी अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि उनसे भी कुछ खताएं हो ही जाती हैं। गलतियां कौन नहीं करता, सबसे हो जाती हैं। वैसे कुछ दिन आप सलीम पाशा के घर पर भी रह चुके हैं, कुछ गलत तो नहीं इंशाल्लाह? नहीं तहसीन पाशा, गलत क्या हो सकता है? आप तो जानते हैं कि सलीम पाशा अपनी औलाद से महरूम हो गए हैं। अल्लाह रहम फरमाए। आमीन आमीन। मैंने सोचा कि इन मुश्किल दिनों में सलीम पाशा को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। शुक्रिया स्नेहा का कि उन्होंने मुझे जाने दिया, इसलिए सलीम पाशा के साथ था। जी मैं समझ गया। जी हाँ, जहां तक बात हमारे मसले की है तहसीन पाशा, अल्लाह का शुक्र है आप मुझ पर एतबार करें। लोगों ने चलते फिरते हमेशा मेरी तारीफें ही की हैं। पहले तो सोचा वो मुझसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश है, लेकिन अब मैं कसम खाकर कहता हूं तहसीन पाशा, मैं तो शर्मिंदा हो गया, शर्मा रही थी। उन लोगों ने पाशा हजरात का हर काम लिखा, एक एक काम लिखा, लेकिन लोगों को वो दूसरे पाशा पसंद नहीं है। इन तमाम जरायद की जांच की जाएगी, आप फिक्र न करें। जी जरूर, हम इस वक्त आमने सामने हैं। मैं आपको एक गर्मा गर्म, एक निहायत मुनफरिद खबर सुनाता हूँ। कहिए पाशा, मैं सुन रहा हूँ। इस बात को कोई ऐसी वैसी अफवाह मत समझिएगा, ये बिल्कुल सच है। वो इज्जत पाशा, यकीन करें तहसीन पाशा, मेरा यकीन करें, इस पूरी रियासत में इज्जत पाशा से बड़ा रिश्वतखोर मैंने दूसरा नहीं देखा। पाशा ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा ही है, मैं शाहिद हूँ, अपनी आंखों से देखा है। वो रिश्वत लेने वाला इज्जत बच्चों को तालीम दिलाने के नाम पर हर एक से रिश्वत वसूल किया करता है। अगर किसी ने उसे बच्चों को तालीम दिलाते हुए देखा हो तो सामने आ जाए। सिर्फ एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठाता है वो। बस हो गया, गोली निकल गई कमालुद्दीन, अब सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ कहा था उन्होंने कि जल्द आ जाएंगी। उनसे जब भी मैंने पूछा उन्होंने टाल दिया। जवाब सिर्फ उसी को देती हैं जिसे देना चाहती हैं। सुल्तान मौसम, मुराद अफंदी को फांसी देने के लिए जिंदान से निकाल लिया गया है। क्या सफारत खानों के लोग पहुंच चुके हैं वहां? जी पहुंच चुके हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं वहां। उनका कहना है कि वो फांसी देखना चाहते हैं। बारबुस ने हमें सियासत के मैदान में तन्हा कर देने की धमकी दी है, और दूसरी जानिब उसकी कोशिश है कि हमारे वफादार और रियासत के अहम तरीन अशखास को मार दिया जाए। मेरे सुल्तान, क्यों ना हम फैसला वापस ले लें? हम ये भी कह सकते हैं कि माफी के लायक है मुराद अफंदी। ये नहीं हो सकता पाशा, आप देख रहे हैं कि उन्होंने फांसी देखने के लिए लोगों को भेज दिया है। हम अपनी हर चीज के साथ अल्लाह के हैं और बेशक हम उसके पास लौट जाएंगे। कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। सिर्फ ये ख्याल ही मेरे लिए बहुत है। अल्लाह का शुक्र है। ये मर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। मुराद अफंदी के बारे में आइंदा सवाल मत कीजिएगा। महमूद भी इस मनसब को हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं सुल्तान मौसम। महमूद पाशा को हम अच्छी तरह जानते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अब ये मॉर्फिन से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक है। हाँ, मदहोश कर देती है। वाकई ये आदि बना देती है। वजीर आजम के मनसब पर महमूद पाशा को देखकर हमें बेहद खुशी होगी।